आपके अपने चैनल पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए दो आरोपी। ओबीसी महासभा ने सभा आयोजित कर निकाली रैली। गुनौर नगर परिषद के अस्तित्व को लेकर हाईकोर्ट में लगाई याचिका। अवैध हीरा खदानें संचालन करने वालों के खिलाफ फिर की गई कार्रवाई। भारी मात्रा में सामग्री बरामद। पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए दो आरोपी। दो दिन तक मामले को दबाने में जुटी रही पुलिस। आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसे मामले थे पंजीबद्ध। जिला न्यायालय परिसर से पुलिस अभिरक्षा से दो आरोपी दो दिन पूर्व फरार हो गए और पुलिस ने इस संगीन मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया और मीडिया तक को पूरे मामले की भनक नहीं लग सकी। बताया जाता है कि 31 दिसंबर 2019 को पहाड़ी खेरा क्षेत्र के निवासी श्रीकांत उर्मलिया और विनीत गर्ग के खिलाफ फरियादी श्रीकांत चौबे ने मामला दर्ज कराया था। बताया गया कि आरोपी गणों द्वारा खरीदी केंद्र में पहुंचकर मारपीट और गाली गलौज की गई। घटना पर पहाड़ी खेरा पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश कराने का प्रयास किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए पहाड़ी खेरा चौकी पुलिस पन्ना लाई थी, जहां संबंधित पुलिस कर्मियों को झांसा देकर दो आरोपी श्रीकांत उर्मलिया और विनीत गर्ग फरार होने में सफल रहे। आरोपियों के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और लगातार तलाश की गई, लेकिन आरोपियों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद कोतवाली पन्ना में इस मामले पर धारा 224 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूरे मामले में पुलिस की नाकामी को छिपाने के लिए पर्दा डाला गया। घटना के दो दिन बाद जब इस संबंध में जानकारी मिली तो कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ब्रजपुर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं एसडीओपी इसरार मंसूरी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। वहीं बताया जाता है कि आरोपी गढ़ खुद की पुलिस के साथ पहाड़ी खेरा से पन्ना आए थे। पन्ना जिले के बाद उन्हें मालूम हुआ कि उनके खिलाफ 353 जैसी धाराओं अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें जमानत मिलने की उम्मीद कम होने के कारण आरोपी मौका देकर भाग निकले। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और संबंधित पुलिस अधिकारी इस मामले में प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। किन मामलों के आरोपी और पुलिस क्या कर रही है? आज के आरोपी नहीं फरार हुए हैं, परसों 11 तारीख का मामला था। थाना ब्रजपुर के अपराध क्रमांक 1/2020 के दो आरोपी थे, श्रीकांत उर्मलिया और विनीत गर्ग। ये धारा 353 के आरोपी थे, जिन्हें न्यायालय पेश करने के लिए लाया गया था, लेकिन पेशाब करने के बहाने ये पुलिस को चकमा दे करके बाउंड्री कूद करके फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कौन से आरोप थे इनके ऊपर? इनके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने की, गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप था। कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? पुलिस पार्टियाँ लगी हुई हैं, कप्तान साहब के निर्देश पे, एसपी साहब के निर्देश पे कई टीमें रवाना हुई हैं, साइबर वगैरह की मदद से इनको ट्रेस किया जा रहा है। जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि थोड़ा सा लापरवाही की, जब वो पेशाब बाथरूम के वॉशरूम जाने का बहाना करके गए तो उस समय थोड़ा सा सतर्कता रखनी थी, लेकिन वो दीवार के आड़ में फायदा उठाते हुए बाउंड्री कूद करके भागे, ये थोड़ा सा चूक है। जल्दी होगी। ओबीसी महासभा ने सभा आयोजित कर निकाली रैली। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भारी जन समूह के साथ रैली निकालकर ओबीसी महासभा ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर पन्ना के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसे संयुक्त कलेक्टर सिकलचंद परस्ते ने प्राप्त किया। ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की 54% से ज्यादा आबादी वाले पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया है, जिसके लिए ओबीसी समाज द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया है, लेकिन न्यायालय में उक्त आदेश को चुनौती देते हुए दायर याचिकाओं में मध्य प्रदेश शासन के अधिवक्ताओं द्वारा मजबूती से पक्ष न रखे जाने के कारण मेडिकल शिक्षा में तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में दिए गए आरक्षण का लाभ मिल पाना कठिन हो रहा है। इस संबंध में ओबीसी महासभा के तत्वाधान में 5 सूत्रीय मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर शीघ्र पूरी करने की मांग की है। आगामी जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना का कालम जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया जावे। चिकित्सा शिक्षा MPPSC सहित समस्त क्षेत्रों में ओबीसी को संख्या के अनुपात में 54% आरक्षण दिया जावे। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एवं निजी क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में आरक्षित वर्ग को आरक्षण देकर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।
और ओबीसी आरक्षण में क्रिमिलियर की बाध्यता समाप्त की जावे, सहित शासकीय नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। समस्त मांगे शीघ्र पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रैली व ज्ञापन में नत्थू सिंह यादव, संतोष यादव, संतोष लोधी गुनौर, आनंद कुमार सिंगरौल, जितेंद्र जाटव, राम स्वरूप सेन, मनोहर एडवोकेट, कल्लू चौधरी, ब्रजेंद्र सैनी, राम खिलावन पटेल, विपिन मौर्य, सरस सिंह लोधी, देवेंद्र वर्मन, मोहन लाल सोनी, रामेश्वर कुशवाहा, राम अवतार कुशवाहा, राजेंद्र लोधी, संजय अहिरवार, शैलेश विश्वकर्मा, विजय सिंह यादव, एडवोकेट अवधेश प्रताप सिंह, शैलेश विश्वकर्मा, ओमकार प्रसाद सोनी, पूर्व सरपंच सिमरिया, रमेश पटेल पूर्व सरपंच, नंदकरण लोधी, रामकेश लोधी, सोहन विष्णु लोधी सहित जिले भर से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। फोटो नहीं है, वीडियो पर रहे। ये जिलाध्यक्ष ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया जिला इकाई द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 5 सूत्री ज्ञापन है, ये ज्ञापन अतिशीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा। जो हमारे एससी एसटी ओबीसी मिनोरिटी वर्ग के हैं, जो 27% आरक्षण था उसको लागू किया जाए और हमारे जो अधिकारों का हनन है, हमारे संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो हमारी मांग है कि उस पर सब ऑप्शन उठाया जाए, क्योंकि हमारा आरक्षण, जो हमारी नौकरियों में जो पदों में बैठे हैं उनको आरक्षण नहीं मिल पाता है, वो उच्च पद पे नहीं जा पाते हैं, और 27% आरक्षण की मांग की है। क्या क्या आश्वासन मिला यहाँ अभी? तो उन्होंने इस बात पर कुछ ज्ञापन बस दिया है और कुछ नहीं बोला है अभी। आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर हम लोग ऐसी आरक्षण कर अनशन करेंगे। आज कितने लोग आए हैं? हम बहुत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो सालों से मांग चल रही थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए मध्य प्रदेश में, वो मांग पूरी की थी, मगर कोर्ट के माध्यम से ओबीसी आरक्षण को रोका गया है, 27% आरक्षण को रोका गया है। इस मांग को लेकर आज हमारे ओबीसी एससी एसटी के साथी सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो मांग चली आ रही है 27% आरक्षण की, वो लागू की जाए, क्योंकि हमारे लोग चपरासी और बाबू बन पाते हैं लेकिन अधिकारी नहीं बन पाते हैं। प्रमोशन में भी आरक्षण होना चाहिए और 27% आरक्षण हमारे समाज, हमारे लोगों का हक है और हक के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली और भोपाल में भी आंदोलन। गुनौर नगर परिषद के अस्तित्व को लेकर हाईकोर्ट में लगाई याचिका।
शिवराज की घोषणा पर गुनौर को बनाया गया था नगर परिषद। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप। भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष सतानंद गौतम और की महिला मोर्चा जिला मंत्री श्रीमती अमिता बागनी ने किया भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुनौर को नगर परिषद का दर्ज दिया गया था, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार पुनः गुनौर को ग्राम पंचायत बनाने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा आंदोलन प्रदर्शन के साथ कानूनी लड़ाई की जा रही है। इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। श्रीमती बागरी ने कहा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भाजपा सरकार के समय चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। साथ ही भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुनौर को नगर परिषद बनाए जाने की घोषणा की थी और उसे नगर परिषद बनाया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार जैसे ही मध्य प्रदेश में आई उसने प्रदेश की 30 नगर परिषद को तोड़कर 113 ग्राम पंचायत बनाने का मन बना लिया है। इस सूची में पन्ना जिले का गुनौर भी शामिल है। हम गुनौर को पुनः ग्राम पंचायत बनाए जाने का विरोध करते हैं। श्रीमती बागरी ने बताया कि मैंने जबलपुर उच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध याचिका भी दायर कर दी है। मुझे विश्वास है कि माननीय न्यायालय से गुनौर की जनता को न्याय मिलेगा, क्योंकि गुनौर की जनता गुनौर को नगर परिषद के रूप में देखना चाहती है ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया के नेतृत्व में हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय के नाम अनुविभागीय अधिकारी गुनौर को ज्ञापन भी सौंपा था। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस की इन गलत नीतियों का विरोध करेंगे। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सतानंद गौतम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश की जनता का भला नहीं चाहती है। शायद यही कारण है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थीं, उन्हें बंद करने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। आज विकास के काम बंद पड़े हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से विकास अवरुद्ध हो गया है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी, जिला कार्यालय मंत्री चंचल जैन, संदेश अग्रवाल उपस्थित रहे। इसका और क्या मुद्दे थे? इसका मुद्दा ये था, जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 30 नगर परिषद घोषित की थी उनको तोड़ के कांग्रेस सरकार जो 113 ग्राम पंचायत बना रही है, जिसमें हमारे एक गुनौर का मुद्दा था, गुनौर नगर परिषद भी घोषित हुई थी, इसका आवंटन हो चुका था, वार्डों का परसीमन हो चुका था, इसको अब खारिज करके वहाँ की जनता के साथ अगर खिलवाड़ होता है द्वेषपूर्वक जो कांग्रेस कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। मैंने इसी के विषय में सारे पत्रकार बंधुओं को बुला के इसकी जानकारी दी गई थी और आगे इसमें हम लोग और भी प्रयास करेंगे, धरने पे बैठेंगे, सर्व समाज आगे आएगी, पूरा गुनौर क्षेत्र की जनता बैठेगी। और अब जनता को क्या नुकसान है इससे? जनता को नुकसान, वहाँ की जनता की मांग थी, उस मांग को देख के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी नगर परिषद बनाने की। वहाँ पे ब्लॉक है, वहाँ पे तहसील कार्यालय है, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, कॉलेज है, तो दूर ना जाना पड़े लोगों को, सारी सुविधाएं वहीं मिल जाए, इसलिए हमारी भाजपा सरकार ने सोच के वहाँ पे नगर परिषद बनाने की घोषणा की थी। उसका वार्डों का आवंटन भी हो चुका था, कार्य चालू था, लेकिन कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, द्वेषपूर्वक उसको खारिज करने की कोशिश की, जिसमें 30 नगर परिषदों का मुद्दा है पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें गुनौर का भी मुद्दा है, उसकी याचिका हमने हाईकोर्ट में जनता के बीच जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे जनता के बीच में। अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने इसका ज्ञापन दिया, वर्तमान जिलाध्यक्ष जी भी ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम में, और हमारे जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, हमारी भाजपा भी साथ में थी, इसके साथ में वहाँ की जनता भी साथ में थी। अब इसके बाद हम लोग इसको नहीं आएंगे तो क्रमिक अनशन पे बैठेंगे। चुनाव का आरक्षण हो चुका है तो इसमें चुनाव प्रभावित होंगे? बिल्कुल प्रभावित होंगे, आरक्षण दोबारा होगा? हाँ बिल्कुल दोबारा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपना परसीमन किया है और अब उसको वो फिर से नगर परिषद तोड़ के ग्राम पंचायत बनाना चाह रहे हैं, तो फिर से वार्डों का आवंटन होगा।